सरकार जासूसी के मामले में सच बोल रही है या फिर विपक्ष बेवजह की शोर मचा रहा है, इस मुद्दे को लेकर लगातार दंगल में चर्चा जा रही है। अपने मेहमानों के पास जाएं, उसके पहले जल्दी से एक जानकारी दे दें। पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ के अधिकतर क्लाइंट सरकारें और उनके खुफिया संगठन ही होते हैं। आपको यह भी बताते चले कि करीब 56 करोड़ रुपए में सॉफ्टवेयर का एक साल का लाइसेंस मिलता है। रागिनी नायक जी से सवाल के साथ, 56 करोड़ रुपए में एक साल का लाइसेंस, और यहां पर तो 17 से लेकर 2021 तक की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। समित पात्रा को आप सुन रही थी, उन्होंने कहा कि इतना पैसा क्यों खर्च करेगी सरकार, क्या है जवाब इस पर आपका? देखिए, भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम 90 लाख रुपया एक आदमी की जासूसी पर क्यों खर्चेंगे। भाई मोदी जी 10 लाख का अपने नाम का सूट पहन सकते हैं, 8,500 करोड़ के प्लेन में उड़ सकते हैं, तो अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए 90 लाख रुपया नहीं खर्च सकते? जरूर खर्च सकते हैं। आप बीच में मत बोलिएगा क्योंकि मैं आपके बीच में बोली नहीं। अब दूसरी बात, एक ये बड़ा शोर मचाया जा रहा है भारतीय जासूस पार्टी के नेताओं के द्वारा कि भाई ये अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है। 45 देशों का खुलासा हुआ है कि जो पेगासस का इस्तेमाल करके अपने देश में टारगेट कर रहा था पत्रकारों को, देश के संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को, न्यायपालिका से जुड़े लोगों को, हमारे देश में अपने ही भारत सरकार के मंत्रियों को भी मोदी जी निशाने से साधने से नहीं चूक रहे हैं। तो ये तमाम, और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ, ये मजाक उड़ा रहे हैं पत्रकारों का चित्रा जी। उसमें बहुत सारी महिला पत्रकार भी आ रही है, कह रहे हैं क्या उनकी स्नूपिंग करके हम क्या करेंगे। मुझे तो गुजरात मॉडल याद आ रहा है और मुझे लग रहा है यही गुजरात मॉडल अब पूरे देश में कहीं ना कहीं मोदी जी स्थापित करना चाह रहे हैं। और तीसरी बात, मैं एक अजय आलोक जी से जरूर कहना चाहती हूँ, अजय आलोक जी भारत की राजनीति के सबसे बड़े पेंडुलम जो है वो आपके नेता हैं, तो पहले उनके ऊपर देख लीजिए, जो बिहारियों के डीएनए पर चैलेंज करने के बाद भी मोदी जी की गोदी में जाकर बैठ गए, तब दूसरे नेताओं पर आप प्रहार कीजिएगा। और चित्रा, दो संभावनाएं हो सकती है, या तो सरकार ने पेगासस खरीदा है या तो सरकार ने पेगासस नहीं खरीदा है। यदि खरीदा है तो स्वयं सरकार अपने देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रहार कर रही है, और अगर नहीं खरीदा है और प्राइवेट पार्टी इस तरीके के मैलवेयर का इस्तेमाल देश में कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश का इंटेलिजेंस फेलियर है, मोदी सरकार का निकम्मापन है। और इसका खुलासा कैसे होगा? केवल जांच के द्वारा। अगर संबित पात्रा के बयानबाजी से हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि मैलवेयर नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि इस देश के लोकतंत्र के साथ धोखा होगा। ये आज नैतिक जिम्मेदारी है। ये जो कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर रही है, इसी तरह की बातें आज अखिलेश यादव जी की ओर से भी कही गई हैं। मैं आ रही हूँ जितेंद्र जी, ठीक है? दूध का दूध पानी का पानी, संबित पात्रा, ठीक है? जवाब हो गया। देखिए, निकम्मा कौन है ये तो पूरा हिंदुस्तान अब दो चुनावों के बाद तो जान ही चुका होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि निकम्मा कौन है। दूसरी बात है, मुझे आश्चर्य होता है, आज इमरान खान का भी एक चिट्ठी आया है, इमरान खान ने भी एक चिट्ठी लिख दिया है। इमरान खान राहुल गांधी दोनों मिलकर रो रहे हैं कि भारतवर्ष ने हम पे हमला कर दिया। इमरान खान भी कह रहा है, देखो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ है। देखिए, ये इमरान खान और राहुल गांधी, देखिए फिर ये बीच में शुरू हो गए, फिर बीच में शुरू हो गए। ये चित्रा जी, इनकी ये गंदी आदत है चित्रा जी, आप इनकी आवाज को कम ही करिए तभी जाके हो पाएगा। ये आप इनकी आवाज को कम रखिए, वरना ये लोग इसी प्रकार चिल्लाते हैं। यही सारे पेगासस हैं, यही असली पेगासस यही है, यही पेगासस है, सबके बीच में चिल्लाते हैं। पेगासस की आवाज को कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, चित्रा जी प्लीज इनकी आवाज को कम कर दीजिए। रागिनी जी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको हेडलाइंस बता देती हूँ। इमरान खान के बीच में जासूसी, पाकिस्तान ने मोदी सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया है, इमरान का नंबर पेगासस लिस्ट में है, उन्होंने कहा है, यानी पाकिस्तान कह रहा है वैश्विक मुद्दा बनाएगा। ये आपकी जानकारी के लिए रागिनी नायक। समित जी, अपनी बात पूरी करें जल्दी से। देखिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर समय इमरान खान और राहुल गांधी एक दूसरे को पकड़ करके रोते रहते हैं, एक दूसरे के कंधे पर रोते रहते हैं। आज भी दोनों रो रहे हैं, रोने दीजिए दोनों को। इन दोनों के रोने से कुछ होना जाना है नहीं, देश की जनता सब कुछ जानती है। कौन जासूसी कराता था? इंदिरा गांधी अपनी बहुओं की जासूसी कराती थी, यह आईबी के डायरेक्टर ने अपनी किताब पे लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के घर को बग किया था, ज्ञानी जैल सिंह बेचारे को अपने बेटे से बात करने के लिए लॉन में, राष्ट्रपति भवन के लॉन में बात करना पड़ता था। यह तो हालत कांग्रेस पार्टी की थी कि उनके वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को खुद पी चिदंबरम साहब बक करते थे उनके ऑफिस में।
प्रणब दा ने चिट्ठी लिखकर यह हिंदुस्तान को बताया था। और तो और प्रसन्नजीत मंडल 2013 में आरटीआई की रिपोर्ट में मांगते हैं कि सरकार प्रति माह यूपीए 2 में कितने फोन कॉल्स टैप करती थी। जवाब जानती हैं? 9000 फोन कॉल प्रति महीने टेप होते थे और 500 ईमेल जो है ये प्रति महीने इंटरसेप्ट किए जाते थे यूपीए के जमाने में। तो ये लोग हमें बैठ के जासूस बता रहे हैं, ये तो जग्गा जासूस है, जग्गा जासूस, ये सबसे बड़े जग्गा जासूस है। ये जग्गा जासूस आज जासूस जासूस चिल्ला रहे हैं, कोई जासूसी नहीं हुई है। खुद जिस कंपनी ने इस सिंगल फ्रेम में लेकर बात करने दीजिए, अरे राहुल गांधी को सिंगल फ्रेम में ले लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ छोड़िए इनको, राहुल गांधी को सिंगल फ्रेम में लाइए। अरे रागिनी जी आप तो अच्छी अच्छी प्रवक्ता है, ये राहुल गांधी को भी सिंगल फ्रेम में ले आने से भी कुछ नहीं होगा। अरे राहुल गांधी को भी सिंगल फ्रेम में ले आइए तो भी कुछ नहीं होगा। सिंगल फ्रेम में जासूस पार्टी, अरे राहुल गांधी को भी सिंगल फ्रेम में लाइए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का फ्रेम ही टूट गया है और तुम्हारी जासूस टांगे कांप रही है, और यही कारण है राहुल गांधी से टांगे कांप रही है। अरे फ्रेम टूट गया है राहुल गांधी से डर के मारे, उसे खत्म राहुल गांधी से तो डर उनके खुद के लोग नहीं रहे हैं, हम डरेंगे राहुल गांधी से। करने पर लगे हुए हैं, मुझे पेगासस, ये तो बता दीजिए असली पेगासस तो यही है कांग्रेस पार्टी पेगासस का सरगना मोदी, आखिर स्नूपिंग क्यों कर रहे थे एक महिला की गुजरात में? आप कुछ भी अमित शाह जी को बोलते रहिए, वो अमित शाह जी ने आपको जो पानी पिलाया है ना, पानी पिला पिला के कांग्रेस पार्टी को भगाया है ना, आप उनको कितनी भी गाली दे दो उससे कुछ नहीं होना है। कुछ भी, अरे एंटोनियो माइनो वाली पार्टी की प्रवक्ता कुछ भी बोलते रहो, एंटोनियो माइनो की पार्टी की प्रवक्ता आप कुछ भी बोलती रहो, हमारे नेताओं को कुछ भी गाली देते रहिए, मगर देश की जनता ने कांग्रेस का जो हश्र किया है वो आप जानती हैं अच्छी तरह। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से बचेंगे। एक सेकंड रागी नायक जी, और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी वैसे ही खत्म हो रही है। मैम सुनिए ना, रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी, ठीक है।